बड़का समाचार के बाद अब बेरा है खबर छत्तीसगढ़ के। जिला मुख्यालय ले 25 किलोमीटर के दूरी में स्थित रतनपुर जिहां ऐसे कई ठन निजी स्कूल के संचालन व्यावसायिक तौर में होवत है और यहां राज्य शिक्षा के अधिकारी अधिनियम के पालन नहीं करे जावत है, जबकि प्राइवेट स्कूल मन पर राज्य शिक्षा अधिनियम के तहत अनेक नियम कायदा कानून जारी करे गए हवा जेखर पालन ए मन के द्वारा अनिवार्य रूप ले करना होते। फिर स्कूल के संचालन मन द्वारा नियम के उल्लंघन कर अधिकाधिक लाभ कमाए के उद्देश्य ले अपन स्वयं के मनमर्जी ले संस्था के संचालन करत है। एक तरफ तो जिहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लइका मन ला बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराए के खातिर कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन स्कूल संचालक मन द्वारा ये जम्मो नियम कानून ला दरकिनार करके अपन स्वयं के मनमर्जी ले स्कूल चलावत है। यही कड़ी मां रतनपुर के वार्ड क्रमांक 3 में संचालित मां सरस्वती ज्ञान मंदिर हाई स्कूल जेन हां किराया में लिए गए मकान लही स्कूल के स्वरूप दे डारे है। जी हां, शिशु प्रथम ले लेके 10वीं तक के संचालन एक ही पाली मां करे जावत है। ये स्कूल मां आरटीआई के मापदंड के अनुरूप न तो पर्याप्त कमरा है और न ही कमरा मन के आकार मापदंड के अनुरूप है। प्राथमिक कक्षा में यहाँ छोटे छोटे कमरा और बरामदा और सीढ़ी के नीचे में ही पर्दा लगा के बेतरतीब तरीका ले लइका मन ला बैठा के पढ़ाए जावत है। स्कूल संचालक द्वारा 2 ठन टाटा मैजिक वाहन ला जेन हा स्कूली लइका मन ला घर ले स्कूल लाए लेजे के खातिर उपयोग में लाए जाते, जेन हा पूर्णतः अमानक स्तर के हवय, जेमा न ही सुरक्षा जाली लगे है और न ही ये वाहन के आरटीओ द्वारा फिटनेस है। एकर जानकारी स्कूल प्रबंधन समिति के सचिव डॉक्टर महेंद्र कश्यप लंग बातचीत के दौरान मिलीस। स्कूल के संचालक सुरेश यादव द्वारा विगत 3 वर्ष पहले प्रबंधन समिति की बैठक ली गई थी, उसके बाद धीरे धीरे प्रबंधन समिति को दरकिनार कर सारे निर्णय व फैसले उसके स्वयं के द्वारा अकेले ही लिया जाता है। विगत 3 वर्षों से न तो कभी बैठक ली गई है और न ही उसके द्वारा कोई जानकारी हमें दी जा रही है। इस तरह से स्कूल प्रबंधन समिति की उनके द्वारा घोर उपेक्षा की जा रही है। एकर अलावा ये स्कूल के सुरेश कुमार यादव है स्कूल के संचालक होए के संगे संग प्राचार्य के पद में घलोक पदस्थ है, जेकर ले हमारे रिपोर्टर द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में स्कूल के कमी में पर्दा डारे के प्रयास करे गई। प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या कितनी है? अपने विद्यालय में KG 1 से लेकर प्रशिक्षित एक है जो अभी वर्तमान में शायद सुजला शर्मा में हम भरने का प्रयास कर रहा है उसको। अभी वर्तमान में प्रशिक्षित बताइए, वो भावी हो तो भावी 13 लोग हमारे प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित कितने हैं? एक। अच्छा, अब प्रयास किया जाता है क्योंकि प्राइवेट विद्यालय है, विद्यालय व्यक्तिगत किराए पर चल रहा है, शासन के अनुसार प्रयास किया जाता है उसके मापदंडों पर खड़ा करने का प्रयास। अभी RTI के तहत कम से कम 40 बच्चों की संख्या अभी तक विद्यालय में हो चुकी है। समय समय पर बैठक का है। पिछला बैठक कब हुआ था आपका? अगर रजिस्टर देख लें फिर भी एक अंदाज आप बता सकते हैं कितने महीने पहले हुआ था? 3-4 महीने। 3-4 महीने पहले हुआ था, उसके बाद बैठक नहीं। ये पूरा महामारी ग्राउंड आपकी स्कूल का निजी ग्राउंड बताइए जी। आपकी स्कूल का निजी महामारी ये पंडित जी का ग्राउंड है सामने, उसमें खेल का पंडित जी का नहीं, आपका बताइए आपकी संस्था का उन्हीं का किराए पे विद्यालय का जो है जो किराए पे विद्यालय संचालित है उसी मालिक का ग्राउंड बना हुआ है सामने जिसमें बच्चे खेल। ये सब भारी अनियमितता के बाद भी अब तक विभागीय अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही करना तो दूर, जांच करना भी मुनासिब नहीं समझा थे। रतनपुर ले डिजिटल रिपोर्टर गुरुदेव सोनी के रिपोर्ट।